सचिन लोग आ गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे। बहुत बुरी हालत है, ये तो पूरा सोते हुए आई है, गहनों से भरी हुई है टेची। आया मजा जी, भरे पड़े हम 1 2 3 4। ये देखो सीटें स्विच होती हुई यहाँ पे जाने लग गए। सचिन लोग आ गए हैं और अन्नु को कहाँ, ये कहाँ है? वो अपने जीजा जी से मिलने गए। कहाँ है इसके? जीजू से मिलने चले गए। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I. तो हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे नानक मत्ता और वो देख रहे हो दो ब्लैक और रेड दो जो जा रहे हैं वो हैं हमारे पतिदेव गौरव और सचिन। हम दोनों हैं इधर। बहुत बुरी हालत है, ये तो पूरा सोते हुए आई है। मैं थोड़ा एनर्जेटिक हो रही थी इस बार, मेरे को उल्टी नहीं आती क्योंकि ऐसे नॉर्मल उसमें सीधे सीधे रास्तों में इसकी तो बहुत बुरी हालत थी। हाँ वहाँ से लूंगी ना आगे। यहाँ आगे एक चटनी गए तेरी, तुम्हारे रुमाल गए। हाँ वो तो करते ही हैं। खैर चलो अब अंदर ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जाते हैं। हमने जूते यहाँ पे खोल दिए, इधर जमा कर दें। अब हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। तो जो भैया की गाड़ी में हम लोग आए हैं वो भी साथ ही में आए। ये दिखी हमें गोल्डन फिश, शुरू हो गई हमारी मेरी देवरानी। अभी कुछ दे नहीं रहे हो ना तुम उनको। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम बहुत भीड़ थी तो इनका ले नहीं पाई थी वीडियो। खा लेगी ये। और ये ही रहा यहाँ का पूरा एरिया, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। खेलने लग गए इनके साथ। अटेची ले जाते हुए, गहनों से भरी हुई अटेची। हमें इसके लिए लग रखा है। अनीता को मिल गया सिकंजी वाला, ये हल्द्वानी से ढूंढ रही है सिकंजी वाला, चाहिए सिकंजी वाला क्योंकि इसको वॉमिटिंग ज्यादा होती है। अभी तक तो नहीं हुई है। भैया बनाएंगे मीठी वाली अरे नॉर्मल नींबू पानी है। तीखा सा नींबू पानी बना देना भैया, दो गिलास मीठी वाली। सोडा नहीं पीना मुझे। काला नमक भी डालना है? ऐसे कहो इतना लूंगा चाकू सिकंजी। आया मजा। भैंस का नींबू ऐसे ही नहीं छोड़ उसके मुंह में। एक नींबू हाथ में दे दो काट के। और एक दूसरा दमी नहीं है यहाँ। अब हम लोग गुरुद्वारे से तो निकल गए, अब हम जाएंगे चूका। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अन्नू भी फर्स्ट टाइम जा रही है, सचिन गया हुआ है, गौरव भी गए हुए हैं। भैया आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ? मैं बारी बार गया हूँ वहाँ से, अंदर नहीं हूँ। मतलब हमारे ही जैसे हो। हम बिल्कुल नए हैं। अच्छा तो भैया भी हमारी टीम में, मतलब अब देखते वहाँ कैसा है क्या है। लकड़ी का है वो, डिजाइन डाला है उसमें। नानक मत्ता डैम। अब हम लोग खाएंगे यहाँ पे मोमो। अन्नू को लालच आ गया है, मोमो पार्टी करेंगे यहाँ पे। हम लोग थोड़ी देर रुक गए खटीमा से, लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग अभी। हमारे मोमोज आ चुके हैं। यस तो अब हम लोग निकलने लग गए और ये मौसी की दोस्त हैं, पहली बार ही मिले हम इनसे भी। अब यहाँ से हमने मौसी को पिक करना है। फोटो ले ले। निकलने लग गए हम लोग, पीछे भरे पड़े हम 1 2 3 4 लोग। मौसी नहीं, पीछे पीछे सीट में। अब हम लोग जाएंगे चूका, हमने यहाँ पे पेल लिए मोमो। अब बाकी आगे दिखाएंगे हम आपको।
क्या है चूका में। यहाँ से मौसी चली जाएगी और फिर हम आगे चूका के लिए निकलेंगे यहाँ से। ठीक है ठीक है, ठीक है, धमकी दे रहे हो आप हमें, ऐसे आ जाएंगे हम। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. Kishore bhi aaya yahan pe, mummy ke saath seedhe seedhe bhi hai. Ram mandir. Haan, Kishore aur main aaye hue, mummy ki samiti thi na yahan pe. Haan. Kishore aur main. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Nahi kya bande ne wiper bhi chalta hai, isme aayega na awaaz, band karo band karo karo isko. Lakshmi aao dekho, ye dekho ye baitha hai, dekho chale iske andar, ullu banaya inhone hame, sach maan rahi thi ji yaar, bejati ho gayi ऐसा कुछ है या तो ये है या आगे, नहीं नहीं आगे वाला है सर, आ गया ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये रहा एंट्री, ये देखो चीता, ये देखो चीता, ऐसे ही चीते आपको यहाँ नहीं जाना है, इधर जाना है, हमें पूछ के आएगा जान देंगे, ये नहीं जान देते हैं, बट हिरन आओ चले चूका की ओर बल ये एरो तो इधर को लगा है, लोकल जाएंगे हम यही, यहाँ ये तो लोकल गए, गांव भी है ना यार, ये तो इसमें है बाइकों में है, अजगर वाले में जाना है, ये रहा नहर जो नहर के ऊपर नहर कहते हैं, वो ये नहीं है, वो अंदर है, बंदर चुपके से देख रहा है मैं, बस अब थोड़ा सा और है वहाँ पर आपको गेट दिख जाएगा, ये अब हम पहुँचने वाले हैं चूका, यही तो है, ये देखो एनाकोंडा बैठा है इसमें, देखो ये देखो ना अजगर, ऊपर में देखो शेर बैठा है, इधर से देखिएगा ना, गाड़ी तो दिख नहीं रही यहाँ पे बेटा, उधर से मुंह, थैंक्स फॉर विजिट, ओ भाई कितना भयानक अजगर है, इसको पूछना यहाँ पे, कैसे बनाया होगा इन्होंने, मेरे ख्याल से यहाँ से अंदर को है बुकिंग काउंटर, अंदर को तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, अब जो है बुकिंग करेंगे उसके बाद जाएंगे हम लोग, शायद जिप्सी लेंगे यहाँ से उसमें ट्रेवल, क्योंकि अपनी पर्सनल गाड़ी अलाउड नहीं है वहाँ पे, देखते हैं कैसा रहता है हालत, देखो कैसी हो रही है, और शाम को शादी में जाना है हमने, बताओ शादी 100% चल रहा है, हम जा रहे हैं सफारी का सफर लेने के लिए, सफर स्टार्ट हो गया हमारा, हमने कर लिए बुक, 5 लोग हैं हम लोग, सीढ़ी 1 2 3 स्टेप, हाँ पीछे पीछे से उठा ले गया हमें तो, हाँ, मजाक करूँ आगे से चले जाएंगे, हाँ ये देखो भाभी चढ़ते हुए बिल्कुल स्टाइल से, नहीं आ गए 3 मेल अरे पीछे से मार, दो नहीं मारेगा, धोखा हो रहा है हमारे साथ, भैया से पूछो पीछे से अटैक करता है वो, इनकी स्ट्रेटजी है कुछ भी नहीं, अरे स्ट्रेटजी नहीं है भैया, यहाँ पर से हमारे सर तोड़ना लोगे तुम, सर लेंगे तुम्हारे, ये देखो सीटें स्विच होती हुई यहाँ पे, और ये चूका टाइगर रिजर्व के लिए जाते हैं, ये शुरू हो गया हमारा सफर, अब हम जाने लग गए, स्कूल के बच्चे नहीं बैठते, भैया बता देना सही आएगा तो मैं फोन छुपा दूंगी, फोन में आ जाएगा वो, अरे आप यहीं से उठा लेते हैं हमें, खाली बुलाया ये मुस्तफाबाद विश्राम गृह, वो रहा पीछे, हाँ बिल्कुल जंगल पूरा ही देखना है, थोड़ा नहीं भाई ये पूरा देखना है, जंगल के साथ साथ वहाँ के रहने वाले भी देखना, कोई गाड़ी नहीं देखनी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था ना वो नहर के बगल वाले से एंट्री हुई थी, हाँ उसी से एंटर करते हुए हम चूका पहुँचे, हाँ ठीक है ठीक है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दो भैया पे है, हमें बीच में बैठाया गया है, फीमेल
खैर तुम्हें तुम्हें, तुम्हें बचाना जरूरी है बस तीतर के दो आगे तीतर तीन पीछे तीतर तीन तीतर हम दो तीतर वहाँ भी तेज वाली हंसी हंसती है जब वो आएगा तब हंसने ताकि वो भाग जाए ओके भैया भैया पहले बता देना दिखेगा तो मुझे तो दिखता भी नहीं है वो देखो टाइगर कहाँ है ये तो हमारे मोहल्ले में भी आ जाते हैं अरे हम मजा आ गया मतलब टाइगर कहाँ है मुझे नहीं दिखा नहीं बोला चार दिख रहे हैं मैम छह तक दिख रहे हैं है मेरा चार बच्चों के साथ फिर वो तो और रिस्क है फिर शी इज वेरी प्रोटेक्टिव तुम्हें दिखे साल पहले तो तब भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं टाइगर करके हाँ सर यहाँ पे बहुत तेजी से सर है मजे आ गए रील रील ये सर जितने भी पेड़ है ये सब इसको सर साल साखो कोरो और इसका वर्टिकल लेना सोरिया रोबस्टा सोरिया रोबस्टा इस पेड़ की लगभग 300 साल बताई जाती है जिसके ऊपर एक कहावत भी है 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा ये देखिए भैया ने ऑलरेडी उसके बाद जब ये गिर जाएगा ना तो 100 साल तक ये पड़ा रहेगा अच्छा उसके बाद इसको डिस्पोज होने में सड़ने में करीब 100 साल लगता है वो दिया था वैसे तो 100 साल उस हाँ जी काफी दूर था कोई नहीं अभी दूरबीन वगैरह नहीं आपके हाँ है मुझे दे देना जब कोई देखेगा तो इसको सड़ने में भी फिर 100 साल लगता है इसलिए तीनों चीज को काउंट करके इसलिए इसकी 300 साल बताई गई है अच्छा जी ये काफी स्ट्रांग लकड़ी होती है बहुत पहले जो ट्रेन की पटरियों पे जो लकड़ी बिस्ती थी वो इन्हीं की होती थी इन्हीं की होती थी भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो बिल्कुल हमारा नाम रितेश कुमार है और हम यहाँ पे नेचर गाइड पे काम कर रहे हैं देखिए कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं ये भैया हम सब अंधे हैं कहाँ पूरा ये तो है ये करना पड़ेगा भाभी देखो इससे देखो ना कोई देख लिया बहुत बढ़िया लग रहा है आइडिया कैसे हो दिख रहा है दिख रहा है फिर हाँ जी सिंह आते होंगे सिंह नवंबर में खुद ही खुद ही खुद हाँ जी खुद ब खुद स्पॉटेड डियर इनको इसलिए बोलते हैं कि वो देखा है हमको देखे हैं वो दोनों क्यों नहीं देखेंगे भाभी हम उनको देख रहे हैं हम उनके लिए नए हैं और ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं ये काफी छोटा ग्रुप है इनका ग्रुप 150-200-250 ओ भाई अच्छा ये मैंने दिल्ली ज़ू में भी देखा एक तो और यहाँ पर 5 तरीके के डियर पाए जाते हैं अच्छा जी ये स्पॉटेड डियर है लेकिन इसमें कौन कौन से सांभर सबसे बेवकूफ बोला जाता है हाँ जी सर सांभर सर काफी बड़ा होता है डियर में डियर फैमिली में सबसे बड़ा सांभर ही होता है एकदम ब्लैक कलर का होगा वो जब शेर आता है ना डर जाता है बढ़ते हैं आगे की ओर अब आगे जानेंगे हम विस्तार से छटकना बत्तर उठाएंगे नहीं यही छोड़ जाओगे क्या डियर के साथ खेलना फिर मिलेगा बियर मेरे साथ खेलेंगे ये टर्माइट हाउस है दीमक के बॉम्बे ये स्मार्ट बियर भालू का सबसे फेवरेट फूड होता है किसका भालू का अच्छा जी भालू को तोड़ के जो दीमक के बने रहते हैं चट्टाने से ये जो बने हुए और भी कई बर्ड्स एनिमल्स खाते हैं दीमक को अच्छा और ये दीमक की बामी जिस एरिया में सबसे ज्यादा मिलेगी तो ये समझ जाइए वहाँ का जंगल बहुत ज्यादा स्वस्थ है अच्छा वहाँ का बहुत ज्यादा जंगल हेल्थी है भैया बोल रहे कि वो दीमक जो भालू बहुत पसंद करता है उसको उठाया नहीं जाता यहाँ पे हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी जंगल में अच्छा वो वैसे दीमक खाएगी दीमक को कोई दूसरा बर्ड या एनिमल खाएगा तो नेचर हेल्थी रहेगा अच्छा अगर कोई टूटा हुआ दिखेगा ना आपको समझ जाइए उसको भालू ये बना रखा है ये ऐसे ही बनाया है जो बनाया हाँ, पर देखते रहते होंगे ना रात के लिए अच्छा भैया आपको कितना टाइम हो गया इधर वैसे तो हम यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं अच्छा बट ये गाइडिंग हमारा दूसरा साल है अच्छा तो आप लोगों की पहले पूरी ट्रेनिंग होती होगी ना ट्रेनिंग होती है अच्छा ये वो दीमक वाला दीमक जी पानी का इसमें कोई असर नहीं होगा अच्छा ये बढ़िया है भैया आपकी हिस्ट्री में कभी आपके सामने शेर आया है अभी फीमेल टाइगर चार बच्चों को लेके हमारे सामने क्रॉस हुई थी और हम तो बाइक से रुके उसके सामने एक हमसे हमारे बाइक के सामने आ गया जी ऐसा होता रहता है कितनी पॉपुलेशन बताया टाइगर यहाँ पर सर 18 की काउंटिंग में सर 65 प्लस टाइगर है अच्छा
जी इस समय तो सर 22 हो गई है, अभी इस काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया है, वैसे काफी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये अभी कौन सी रेंज चल रही है, कौन सा है ये? इस सर ये इस जिले में मतलब अपने जंगल में सर 5 रेंज लगती है, ठीक है, तो जिसमें से हमारा सिर्फ 2 ही रेंज में हमारा टूरिज्म चलता है, एक बढ़ाई और एक महोब में। इस समय अभी हम लोग महोब में है, थोड़ी देर बाद क्रॉस करके हम लोग अभी बढ़ाई में एंट्री कर जाएंगे। इस रेंज में जो टाइगर्स की आपने क्वांटिटी बताई है वो इन दो रेंज में है, ओवरऑल आप टाइगर सर ओवरऑल में है? ओवरऑल जी जी जी। और इस रेंज में कितना कितने रहते हैं, मतलब कितने कुछ ऐसा काउंट है सर? वैसे सर लिमिट काउंट तो नहीं है, बट सर हर टाइगर का एक अपना अपना एक एरिया होता है 7 से 8 किलोमीटर का। अच्छा जी। टाइगर सर एक स्क्वायर किलोमीटर में एक अपना एरिया बनाएगा, पेड़ों पे जाकर सर स्क्रैच करेगा, टेरिटरी मतलब यूरिन वगैरह करता है, टेरिटरी एरिया बनाता है, तो उसको सूंघ के देख के कोई दूसरा मेल टाइगर उसके एरिया में नहीं आएगा। एक एरिया में सर फीमेल तो आ सकती है, 2 से 3 फीमेल रहती है मेल के एरिया में, बट दूसरा मेल नहीं आएगा। अगर दूसरा मेल आता है तो सर उनकी फाइट हो जाएगी, उन्हें जंगल का एक ही राजा, इनके भी एरिया में आता वो मर सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, और जो तगड़ा होगा वो सर्वाइव कर जाएगा जी, वही उसका एरिया का विनर होगा। ओके इंटरेस्टिंग। और ये हमें डराते हुए छोटी छोटी आवाजों से हमें कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे सर टाइगर के साथ साथ सर लेपर्ड, स्लॉथ बियर और भी काफी रियर एनिमल्स हैं जो बहुत कम दिखते हैं, जैसे पेंगोलिन हो गया, यहाँ पर काफी कम दिखता है सर। ये नाइट विजिट एनिमल होता है, छोटा सा होता है, ये दिमाग खाता काफी ज्यादा। अच्छा, ये कुछ छोटा छोटा होता है जो ग्रे ग्रे कलर का? जी 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 जी, ये फन ग्रास है, ये डेकोरेशन के काम आते हैं सजावट के, और ये स्लीपेज एरिया में रहता है। वो कुछ गया हुआ है? ओ डियर, क्यों भाग रही हो तुम? डियर ही दिख रहे हैं हमको। तो अभी हम लोगों ने जंगल में एंटर किया है, अभी हमारी काफी सफारी बाकी है, अभी देखते हैं हमको क्या क्या मिल सकता है। ओके, यहाँ हाथी है होते हैं? सर हाथी और गैंडे यहाँ पे माइग्रेट है, जो कि सर नेपाल से आते हैं। अच्छा जी, परमानेंटली यहाँ पर नहीं रहते हैं। अच्छा, गैंडे भी है? हाँ सर, गैंडे सर नेपाल से सर आते हैं, इसमें प्रवासी है एक तरीके से, तो सर वो कुछ हिस्सों में आते हैं फिर वापस लौट जाते हैं, बट सर हाथी यहाँ तक आ जाती है। हाथी सर यहाँ पर आके 3 महीने से ज्यादा तक भी सर यहाँ टिकी है, फिर वापस निकल जाते हैं। कौन सा मतलब सीजन रहता है? बरसात में। बरसात जी सर, अभी नहीं थी? नहीं सर, हर बरसात में एंट्री होती है। अभी मैं नेपाल गया था परसों, तो राइनो और हाथी दिखे थे वहाँ जी, वहाँ पे शुक्ला पान का है ना, वहाँ पे सफारी होती है नेपाल में। अच्छा, इस रेंज में नेपाल से भी होती है एंट्री? एंट्री नेपाल से नहीं होती है, मतलब नेपाल दूसरा हो गया ना, नेपाल पान का है। अच्छा, सफारी कराने चले जाते हैं। वैसे नेपाल सर यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, उसी दूरी पे 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से 1 घंटे का रूट नहीं है आपके लिए नेपाल यहाँ से। तो हम नेपाल ही चलते हैं आज, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी भैया। जैसे सुबह 9 बजे स्लिप कटा ली हमने वहाँ, स्लिप जैसे एंट्री ले ली 9 बजे, तो शाम 5 बजे तक सफारी होगी हमारी जी। एरिया बड़ा है ना, लगभग वो घुमाते हैं 80 किलोमीटर। चार्ज है यहाँ से, जब मैं जिप्सी ले गया था 13,000 रूपए नेपाल का, पैसा छोड़ा था 13,000, यहाँ से इंडिया का 13 ले गया था। अच्छा, तो मैं घर से गया 2500 रूपए का पेट्रोल, तो नेपाल तक लगा। ये मारी छलांग। और ये डैम अच्छा, हाँ रूम हुआ, और आपका झूला पुल हुआ, एक रानी खेत हुआ, ये चीजें वो सफारी में दिखाते हैं ना, बड़ा खूबसूरत चीजें हैं वहाँ। गर्मी में सर इतना ज्यादा टाइगर दिखता है यहाँ पर, क्योंकि पानी पीने आता है। बिल्कुल, टाइगर से गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वो कच्चा मांस खाता है, उसके बाद वो बस कैनाल के आसपास ही घूमता है, तो ये करीब 7 किलोमीटर का रूट पड़ता है, जिसमें से हम लोग करीब 5 किलोमीटर एक बार टाइगर को चलाया भी था। अच्छा, वो हमेशा बस पानी के आसपास ही मिलेगा, हर 1-1.5 घंटे में बस आएगा, कैनाल पे चलेगा, उतर जाएगा, फिर थोड़ी देर एंट्री करता होगा। दोनों साइड से सर, इस साइड से और उस साइड से भी। जी, ये देखने में बहुत कॉमन रूट लग रहा है, बट सबसे ज्यादा सर साइटिंग टाइगर की रूट पर होती है आसपास में, साइड क्या होता है इधर साइड देख, पानी के पास नदी में ले जाइए बहना को, फिर किनारे ले जाइए। वो सोया हुआ है, वो धूप सेक रहा है, विटामिन डी। धन्यवाद सर, काफी ज्यादा पैथर भी नजर आएंगे इसी तरीके से। अच्छा, पैथर पॉइंट भी यही है? हां सर। देवरानी घायल, थक चुकी है, शेर दिएगा तभी उठूंगी बोल रही है।
भैया के डायलॉग रुका हुआ पानी है ये पूरा जंगल है ना, ये क्यों देंगे? एक बार शिकार करता है 35 से 40 किलो मांस का, कर लेता। एक हफ्ते उसी को चलाएगा वो, एक हफ्ते के उसको ये भी नहीं कि हफ्ते के हफ्ते भाई मिलता रहे, क्या पता कभी कभी 20 दिन लग जाते हैं नहीं मार पाता। तरीके से चलता है की पब्लिसिटी ज्यादा, जो शिकार में दिक्कत नहीं होती टाइगर, डियर ज्यादा, तभी जहाँ पे डियर ज्यादा होंगे वहाँ टाइगर ज्यादा होगा। अच्छा, कोई कह रहा था कि इसमें उतर के फोटो शूट कर सकते हैं। चलो टाइगर का फेवरेट जोन है, हम भी वैसे जाएंगे शिकार, टाइगर कहेगा तो हमें डियर में समझ ले, कहेगा दो ताजे ताजे डियर है। इतना भाग नहीं पाएंगे, सबसे ज्यादा अगर आराम है मारने में तो आदमी को टाइगर। हाँ, वो तो इंसान तो डर के मारे आधा वैसे ही मर जाता है, तो भाग सकते हैं हम तो भाग। टाइगर आ गया तो मैं तो खाने से पहले ही मर जाऊंगा। हमने इतना क्रॉस कर लिया, 9 बजे टाइगर देखी थी, 4 बच्चे क्रॉस करते हुए। अच्छा, 4 बच्चे क्रॉस करके 9 बजे दिख रही थी वाले से जाते हुए। हाँ, खबर देते रहते हैं, आवश्यक सूचना। हम यहीं से गए थे अंदर को, और ये बना है इनका देखने के लिए, नजर रखने के लिए। हाँ, ताकि दिखेगा नहीं क्या टाइगर को, इतना मेहनत डिजाइन डालने में। अब आ गए हम रोड पे, क्या अच्छा अब नहीं है टाइगर वाले चांस। अच्छा अच्छा देख यहाँ पे बंदर बैठा था उस टाइम पे, इधर छुप के वहां से देख रहा था ताल पुल से। वाओ देखो अभी से पानी का, ओह कितना बढ़िया लग रहा है ये। नो बेटा तुम मेरी मजाक में उड़ाओ। चूका इको टूरिज्म स्पॉट। रुक जाओ भाई, हम आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है तुम्हें? ये हम फिर से वहीं क्यों आ रहे हैं? यही तो है, यहाँ इसमें जाना था। अब ये खोलेंगे चूका गेट नंबर 4। हाँ, अरे हेलो, ये तो देखिए मिट्टी खाने के लिए अपनी, ये तो रावण की सेना वाले मिट्टी खा रहे, ये वो देखो इस तरह मिट्टी खा रहे हैं, ये मिट्टी मिट्टी का जो लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है वाल, नमक का असर। अभी देखो सीमेंट खा रहा है, देख लिया मिट्टी खाता है वो, उसको कैल्शियम की कमी होगी। दवाइयाँ दिया करो, पाले है उन्होंने। आगे देखो पूरा वही फील्ड आ रहा है अनु, हमारे पीछे एक और आ रहे हैं। पूछ इतनी लंबी होती है इनकी, देख अनु वही वाला फील्ड आ गया पूरा। अब हमारी असली एंट्री चालू हो चुकी है, अब हमें शेर सब कुछ दिखेंगे, शेर और सब कुछ दिखेंगे। और ये ख्याली पुलाव है हमारे, जब तक दिख न जाए। अनु और मेरा मन था जो पीछे पूरे वो दिख रहे ना घास है लंबे लंबे, उसके बीच में जाने का, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि वहाँ तुम ही वो बन जाओगे, डियर बन जाओगे। वो देखो हम एक कार्टून कैरेक्टर भी लेके आए अपने साथ, कर देंगे ये शादी के बाद इनका ऐसा हाल हो गया है थोड़ा सा। पहले ठीक थे अब ऐसे हो गए। ये सब एक ही हफ्ता हुआ। हेलो एवरीवन, मैं चूका में। भैया बता देना शांत कब रहना है, हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। अब घुस रहे हम घने जंगल की ओर, देखो बंद कीजिए, शेर आ गया जंगल और इसकी आवाज सनसनाती आवाज। समय हो रहा है 3 बजने वाले हैं, और कृपया हॉर्न बजाए बल भैया। अरे सॉरी, कृपया हॉर्न ना बजाए, वही ना कहूँ बजाए के लिए कृपया क्यों लगाया आगे से। बाबा ये तो बेइज्जती हो गई रे, बाबा बेइज्जती।
पीछे वाले गायब तो नहीं हो गए? नहीं यही है, अभी तो यही काउंटिंग कर लेंगे। यही हम तो सेफ है ऐसा हमें लग रहा है अभी तक। बाकी वैसे दिख जाना चाहिए टाइगर, तभी तो आप लोग देख पाओगे जब हमें दिखेगा। मैं तो दिख गया, देखो अरे 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 बस ये शेर मिल गया, ये शेर दिख सकता है, ये है शेर, ये है सड़क पार कर रहा है, ये सामने वाला रिन से हाई फाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पे और इधर इतना क्रॉस करके जाना पड़ता। बाय करा तो करा सही, ऐसे ऐसे पकड़ लेके फिर ऐसे बढ़िया लग रहा है पूरा लकड़ी का। भैया इसमें अभी भी देखते हैं इसमें जाके जो बने हैं साइड में, हम नहीं जा सकते, जो हमारे है फॉरेस्ट के लिए वो अलग है, वो अलग है, हम चलेंगे तो देखेंगे। अच्छा ये फॉरेस्ट वाले जो जंगल वाले हैं उन लोगों के। अच्छा वो नाइट में रहते होगे ना, और हमें दिखा भालू। छोटे बच्चे बहुत है साल के, साल के फाइट होगी, होते रहेंगे, इसलिए सर जंगल में पेड़ सर लंबे ज्यादा होते हैं। पीछे आ रहे हो भैया आप भी उठ जाओ। पूरे फॉरेस्ट पे अच्छा तार लगे ना, वो करंट तू मत छू देना। चूका पार्किंग स्थल है, चिपकते नहीं है इंसान। हाँ मतलब खाली डराने के लिए, वो थोड़ा डर जाए वाला ना। नाइट स्टे होती है 10 बजे रहते हैं नाइट पे। अच्छा पानी है तो अलग नशे में अब यहाँ पे पूरा पार्किंग। हाँ मैगी भी मिलती है यहाँ पे, पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ से अब हम लोग पैदल जाएंगे, और जो स्टार्टिंग में भैया दिखा रहे थे पूरे तार वायर लगा रखे है वो इसीलिए लगा रखे है। वो देखो भैया का फोटोशूट चल रहा है, इनका नॉलेज ही खत्म नहीं हो रहा है, और हमारे तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ऐसे खाली उजड़े चमन जैसे हो रहे हम दोनों। बस करो भाई बस करो, सारे फोटो शूट यही करेंगे, ये सोच रहे थे हम करेंगे। भैया तो भाई गजब ही हो रहे हैं,